गुड मॉर्निंग. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 13.1. क्वेश्चन नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3, रीड द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक. फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स. रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना, लेकिन इससे पहले आपको ये हो कि रेक्टेंगल की शेप क्या है. तो रेक्टेंगल होता है ये, जिसमें आमने सामने की साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड, यानी ये साइड इसकी इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी. अब क्वेश्चन नंबर पेरीमीटर एंड द एरिया दोनों फाइंड आउट करना. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है लेंथ को हम एल से लिख रहे हैं, तो एल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. एंड बी ब्रेथ, ब्रेथ मतलब ये, और ये हो गई लेंथ, तो बी हो गई है 8 सेंटीमीटर. तो इसकी पेरीमीटर और एरिया दोनों निकालना है. तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 2 एल प्लस बी. एल प्लस बी यानी 2, एल कितनी है 12 और बी यानी ब्रेथ कितनी है 8, यानी 2 इंटू, इन दोनों को प्लस कर दो, 12 और 8 20, यानी 22 जा 40 सेंटीमीटर हो गई पेरीमीटर. अब है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है एल इंटू बी, तो एल कितना है 12 और बी कितना है 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 8 96. अब ये ध्यान रखिएगा कि पेरीमीटर में केवल सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया है कौन ये लिखा जाता है, लेकिन अगर एरिया निकालना है तो फिर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर बी, एल है 20 मीटर एंड बी है 15 मीटर. सबसे पहले वही पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 एल प्लस बी, फॉर्मूला जमा दो, 2 एल में है 20 प्लस बी में है 15, यानी 2 इंटू, इन दोनों को प्लस करो, 20 और 10 30 35, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 70 मीटर या सेंटीमीटर जो भी आपको दे रखी मीटर में है, तो 70 मीटर. अब इसका एरिया निकाल दो, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, एल है 20 और बी है 15, मल्टीप्लाई कर दो तो 0, 15 टू जा 30, यानी 300 मीटर स्क्वायर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. अब हमें निकालना है स्क्वायर का एरिया. रीड द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक एंड राइट द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक ऑल्सो. अपने बुक से ही आप क्वेश्चन लिखिएगा. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर में साइड दी हुई है और साइड है 8 सेंटीमीटर का फर्स्ट. तो आपको पहले पता होना चाहिए कि स्क्वायर का शेप, तो स्क्वायर का शेप होता है इस तरह का जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, यानी 8 सेंटीमीटर बोल रहा है तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है. तो साइड हमें दी है स्क्वायर की 8 सेंटीमीटर. देन एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हम इसका यहां लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड. आप इसको साइड इंटू साइड बोल दो या फिर साइड का स्क्वायर बोल दो, यानी कि 8 इंटू 8, 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. बी, इसमें बी में है डायगोनल, डायगोनल है 5.2 सेंटीमीटर. अब जरा डायगोनल देखो, ये 5.2 है तो ये भी कितना होगा 5.2, ठीक है. तो यहां पे स्क्वायर में आपको 4 ऑफ डायगोनल निकालना है, दिया हुआ है आपको, और डायगोनल से
इसने बोल रखा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ हुज एरिया ऑफ द फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 5.2 सेंटीमीटर। तो देखिए आप 1 सेकेंड 13.1 क्वेश्चन नंबर 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको देखें हम फॉर्मूला d1 into d2 का मतलब है इसकी दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई करके देखिए अपन 5.2 into 5.2 मल्टीप्लाई करके देख लो 5.2 into 5.2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10 5 5 जा 25 और 1 26 4 0 7 2 टू डिजिट आगे पॉइंट यानी 27.04। अब इसका हाफ कर दें तो हाफ हो जाएगा 2 into 2 और 2 3 जा 6 और 0 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4 ये हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बना आपका डायगोनल जो दिया हुआ है, अगर डायगोनल दिया है तो आप लिख दो हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। डी वन का मतलब है ये वाला डायगोनल और डी टू का मतलब है ये वाला डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है कि जैसे ये साइड है तो इसका ये वाले कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर यानी इसके वर्टिक से मिलाने वाला ये फर्स्ट डायगोनल हो गया और ये हो गया सेकेंड डायगोनल। तो यहाँ पे दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई और इंटू में हाफ, तो हम यहाँ पे हाफ इंटू 5.2 into 5.2 तो देखो 1/2 into 5.2 को 5.2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है 27.04। अब इसको 2 से अगर आप काटते हो या डिवाइड करते हो तो आंसर कितना निकलेगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 पॉइंट लगा 2 5 जा 10 2 2 जा 4 आप चाहे डिवाइड करके लिख लीजिएगा तो ये आएगा 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको शेप दे रखी है और बोल रहा है कैलकुलेट द पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। तो सबसे पहले शेप देखो आप कुछ यूं आपको शेप दिया हुआ है। ये अब आपको ये दे रखा है 11 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर। अब आप फाइंड आउट करें तो आप ये देखेंगे कि ये वाली साइड कितनी मुझे पेरीमीटर के लिए, तो अपन अगर ये लाइन खींच दें तो आपको पता है कि ये हाफ हो गया है तो यानी ये पूरा 8 है तो ये 8 का हाफ कितना हो गया इधर इक्वल अगर स्क्वायर हो गया तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पेरीमीटर निकाल देते हैं। पेरीमीटर ऑफ शेप, इस शेप की पेरीमीटर, तो शेप आपको पता है जब कोई इस तरह की शेप हो तो उसकी सारी साइड को प्लस कर दो वो उसकी पेरीमीटर होती है। तो हम यहां से 8 से शुरू कर रहे हैं यानी 8 + 10 + 7 + 6 + 11 + 12 + 4 सबको प्लस कर दो कितना आ गया 8 7 15 15 और 6 21 22 और 24 और 28 कैरी 2 1 3 4 एंड 5 फिर भी एक बार देख लीजिए कोई साइड छूट तो नहीं गई है 8 10 7 6 11 12 एंड 4 तो इसकी पेरीमीटर अगर निकालनी है तो इन सबको हमने किया प्लस, तो प्लस करने पर सेंटीमीटर आ रहा है। नेक्स्ट है एरिया, एरिया ऑफ शेप, इस शेप का
अगर एरिया हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप देखो इसको है ना स्क्वायर में आप है ना इसको बांट लो, इसको रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर की शेप में इसको हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। तो फर्स्ट रेक्टेंगल क्या बना, फर्स्ट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है एल इंटू बी, यानी कि हो गया 11 इंटू 6, तो 11 × 6 = 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा रेक्टेंगल मान लेते हैं हम ये वाला, ये तो इसकी लेंथ आपको दे रखा है, ये 10 दे रखी है। सेकंड रेक्टेंगल एरिया निकाल रहे हैं आप, तो ये हो गया 10 इंटू, अब आपको पता है ये 8 है तो अगर हम इसका हाफ कर देते तो ये कितना हो जाता है 4, तो 10 और 4 40 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में क्या बचा है, ओनली ये बचा है जिसकी यहां से 4 और ये भी 4, तो अब कितनी हो गई है थर्ड वाले की, इसको रेक्टेंगल बोल दो चाहे स्क्वायर बोल दो, ठीक है हमने स्क्वायर बना दिया। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड, यानी इधर से 4 इधर से 4, तो 4 इंटू 4 4 4 जा 16, तो टोटल एरिया कितना निकला, टोटल एरिया हो गया 66 प्लस 40 प्लस 16 12, कैरी 1 10 और 1 11 एंड 1 12 122 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर देख लीजिएगा, आपके आंसर बुक में रॉन्ग में लिखा हुआ है, ठीक है पेरीमीटर वाला। नेक्स्ट है इसी का सेकंड पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट में आपको कुछ इस तरह की शेप दी हुई है, ठीक है ये आपको बोल रहा है यहां से यहां तक 12 मीटर, ये इसकी ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक है 4 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर, ये है यहां से यहां तक 4.5 सेंटीमीटर और ये ब्रेथ है इसकी 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अब इसका हमें पेरीमीटर निकाल देते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ शेप, सारी साइड इक्वल कर दो प्लस कर दो, यहां से शुरू कर रहे हैं 2 से 2 प्लस, अब आपको पता है ये 4.5 है तो ये भी 4.5 है, 4.5 प्लस ये 4 प्लस इधर से, अब आपको पता है ये 12 है, 12 में से ये 3 निकाल दो तो कितना बचेगा 9 और 9 का मतलब होगा 4.5 इधर 4.5 इधर, तो ये हो गई 4.5 इधर वाला प्लस ये 3 प्लस ये पूरा 12 प्लस इधर से भी 3 फिर ये इधर से 4.5 और यहां से शुरू कर रहे हैं 2 4.5 4 4.5 3 12 3 4.5, ये इधर से 4 हो जाएगी फिर 4.5 फिर ये 2 हो जाएगी और ये पूरी लेंथ हो गई इधर से 12। अब इन सबको प्लस कर दो, जो भी आपका प्लस करने पर आंसर आता है, जैसे देखिए पॉइंट के बाद देखिए 5 5 10 15 और 5 20 कैरी 2, अब 2 2 2 4 4 2 6 6 4 10 10 4 14 14 4 18 18 और 3 21 21 और 2 23 24 25 26 26 4 30 34 38 और 39 40 कैरी 4 4 और 1 5 5 और 1 6, तो ये हो गया
60.0 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, मीटर में है तो ठीक है, ये आपको मीटर नहीं सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये भी हमारा आंसर भी कितने निकलेगा, सेंटीमीटर में। अब है एरिया ऑफ शेप, इस एरिया, इस शेप की एरिया, तो इसमें आपको पता है रेक्टेंगल में डिवाइड कर ले तो एक रेक्टेंगल तो ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है और थर्ड रेक्टेंगल ये बन रहा है। तो फर्स्ट रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है आपको पता है, एल इंटू बी होता है, तो ये हो गया 12 और इसकी बी हो गई है 3, यानी 12 × 3 तो कितना हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट रेक्टेंगल सेकंड बन रहा है, तो सेकंड रेक्टेंगल हो गया इधर से 4 एल इंटू बी, यानी 4 × ये 4 और ये है 3 इसकी ब्रेड, तो 4 × 3 तो 4 × 3 = 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड रेक्टेंगल देखो, इसमें थर्ड रेक्टेंगल के लिए ये तो 12 है और यहां से हो गई 2, तो 12 × 2 कितना हो गया 12 × 2 = 24 तो टोटल एरिया कितना हो गया इसका 6 और 4 10 और 2 12 कैरी 1 4 5 6 7 यानी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके इस शेप का एरिया, ये क्वेश्चन नंबर 5 का बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ प्लेग्राउंड आर 200 मीटर एंड 150 रेस्पेक्टिव, यानी एक प्लेग्राउंड है रेक्टेंगुलर शेप का, उसकी एल और बी दे रखी है, तो एल ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड, एल ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड है 200 मीटर तो, और बी बता रखी है 150 मीटर। अभी बोल रहा है एक एथलीट जो है वो वांट्स टू रन 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर राउंड लगाना चाहता है, तो कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, यानी अगर रेक्टेंगल ये शेप है वो इसके चारों घूम के 7 किलोमीटर रन करना चाह रहा है, तो 7 किलोमीटर उसको रन करने के लिए चारों तरफ में उसको कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसकी पेरीमीटर निकालेगी कि वन राउंड में कितना कवर होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है, बार बार लिख रहे हैं हम, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, यानी 2 एल हो गई 200 प्लस बी हो गई 150, यानी टोटल हो गया 2 × इन दोनों को प्लस किया तो 350 और इनको प्लस किया तो मल्टीप्लाई किया तो 0 2 5 10 2 3 6 7 7 यानी 700 मीटर इसका वन राउंड में होगा। अब वो चाहता है 7 किलोमीटर, ठीक है 7 किलोमीटर रन करना, तो ही वॉन्ट्स 7 किलोमीटर रन, 7 किलोमीटर रन करना चाहता है, तो ही विल टेक राउंड 1 सबसे पहले आप देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है और ये किलोमीटर में दे रखा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 किलोमीटर रन करने के लिए, यानी कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1 किलोमीटर = 1000 मीटर तो 7 किलोमीटर = 7000 मीटर और 1 राउंड में कितना मीटर होता है 700 मीटर, 00 से 00 कैंसिल, यानी कि हाउ मेनी राउंड उसको लेने पड़ेंगे 7 × 7 एंड काटो 7 से तो 7 × 7 और 0 यानी 10 राउंड उसको लगाने पड़ेंगे, इसके चारों ओर चक्कर राउंड लेने पड़ेंगे। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।